नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जय लक्ष्मी नारायण, आप देख रहे हैं डी फोकस। आज मिलाद उन नबी है, मुस्लिम समाज के लिए सबसे बड़ा दिन आज है। वो तमाम जो मुस्लिम लोग हैं वो अपने घर से निकलकर अपनी जो यात्रा है वो पूरा करके लोगों को एक शांति का संदेश देते हैं। मैं आपको बताते चलूँ कि अभी हम लोग चास के महावीर चौक में हैं। महावीर चौक में यह जुलूस जो है, ये अंसारी मोहल्ला और जो पिनरगड़िया है वहाँ से यह जुलूस के माध्यम से लोग वहाँ निकलते हैं और उसके बाद यहाँ पर महावीर चौक में उनका मिलन होता है। मिलन होने के बाद यहाँ से लोग अपना शांति का पैगाम पूरे चास में बांटने का काम करते हैं। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो दोनों जगह से जो भी निकलता है रैली जो के माध्यम से जो लोग निकलते हैं उनका स्वागत करने के लिए महावीर चौक जो है, महावीर चौक में जो कमेटी है, जो दुकानदारों की कमेटी है, वो हर साल यहाँ पर एक कार्यक्रम करती है। जो लोग दोनों तरफ से आते हैं उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर शरबत पिलाया जाता है, उनको ठंडे पानी पिलाया जाता है, चाय पिलाया जाता है। आखिर क्यों पिलाया जाता है और इसके पीछे क्या मकसद है, हम लोग कमेटी के लोग से जानना चाहेंगे। पहले हमारे साथ मुंडा भाई हैं जो यहाँ महावीर चौक के दुकानदार भी हैं, कांग्रेस पार्टी भी जेम में भी हैं और समाज सेवी भी हैं। क्या आखिर मिलाद उन नबी का क्या महत्व है मुस्लिम समाज में और ये क्यों रैली निकाली जाती है? सबसे पहले तो लक्ष्मी जी, मैं आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में आप हम लोगों का माने कुछ दिखाना चाह रहे हैं ईद मिलाद उन नबी के उपलक्ष्य में। तो कहना चाहता हूँ कि हर साल की भांति इस साल भी हम लोग दुकानदार समाज जो हम लोग महावीर चौक में रहते हैं, तो हर साल की भांति इस साल भी हम लोग बहुत धूमधाम से जुलूस निकाले पूरे मोहल्ला से, पिरगड़िया से होते हुए सुल्तान नगर, मुस्लिम मोहल्ला, सादत नगर, जितने भी मोहल्ला से सब जुलूस निकाले, बाईपास होते हुए हम लोग प्रस्थान करते हुए हम लोग महावीर चौक में यहाँ आके रुके। और हम लोग दुकानदार समाज जो हर साल की भांति इस साल भी हम लोग पानी और चाय और शरबत का व्यवस्था करने का काम किया है और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह हर साल हम लोग अपना उपस्थिति को दर्ज कराते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए और भी कमेटी के लोग हैं, शेरू भाई हैं, इनसे हम लोग जानेंगे कि शेरू भाई आखिर मिलाद उन नबी क्यों मनाया जाता है और क्या महत्व है मुस्लिम समाज का। बाकी बातें तो मुनका भाई ने बता दिया, लेकिन मिलाद उन नबी क्यों मनाया जाता है इस पे कुछ बताएं आप। आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन मुबारक है। आज हमारे मुस्लिम समाज, मुस्लिम पूरा कायनात की जो मुस्लिम है, इससे बड़ी खुशी की दिन और नहीं है जिसके चलते आज हम लोग ईमान लाए हैं। आज पूरा कायनात में मुसलमान है और हम लोग इसके खुशी के उपलक्ष्य में हम लोग जुलूस निकालते हैं। और हम लोग जुलूस जो निकलता है हमारे मुस्लिम मोहल्ला, सुल्तान नगर, आज़ाद नगर, सारे मिल के हम लोग यहाँ से बाजार होके चेक पोस्ट होके बाईपास, बाईपास होके धर्मशाला मोड़, मोड़ से महावीर चौक तक आते हैं और यहाँ पर हम लोग दुकानदार समाज लोग, जो दुकानदार कमेटी है वो हम लोग चाय की व्यवस्था, पानी का व्यवस्था, शरबत का व्यवस्था और यहाँ का हिंदू मुस्लिम सारे लोग हम लोग मिल के हुजूर साहब के जन्मदिन मनाते हैं। लगभग कितने सालों से यह सेवा दी जा रही है? जब से उन्होंने पैदा हुए हैं तब से हम लोग मनाते हैं महावीर चौक में यह सेवा। चौक हम लोग 10 सालों से सेवा देते हुए आ रहे हैं और जैसे जैसे तादाद बढ़ रही है हमारे पूरे समाज में उस हिसाब से हम लोग अपना टारगेट भी बढ़ाते जाते हैं और जैसे जैसे संख्या का आभास होता है उस प्रकार से इस खर्च को और बढ़ाया जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए रियाज परिंदा जी भी हैं, ये भी यहाँ पर दुकानदार हैं। क्या कितना अच्छा लगता है इस तरह का माहौल जो कि जो आज के समय में जो शांति का जो माहौल देने के लिए पूरे विश्व में प्रयास हो रहा है, या जो जुलूस के माध्यम से लोग आगे बढ़ के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा आप मीडिया परिवारी को जो कवरेज कर रहे हैं। विगत कई वर्षों से हम लोगों ने एक हमारे जो गॉड ऑफ मैसेंजर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर जो ये उत्सव मनाया जाता है, एक काफले को लेकर के सभी मोहल्लेवासी एक साथ चास में भाईचारे के साथ सभी कोई मिल करके हम लोग जो एक आपसी सौहार्द का जो मैसेज देने के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे मोहम्मद साहब ने भी ये कहा था कि मानवता सबसे बड़ी इंसानियत है और उसी इंसानियत के तर्ज पर हम लोग सभी लोग मिलते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ में
एक जुलूस के शक्ल यानी कि एक काफले के शक्ल में एक अच्छे मैसेज के तौर पर हम लोग देने का कार्य करते हैं। और विगत कई वर्षों से इस महावीर चौक में एक जो सभी मोहल्ले वाइज के काफले जो आते हैं एक साथ मिलकर के हम लोग आपसी भाईचारे और मैसेंजर देने का कार्य करते हैं। तो आपने सुना इनकी बातों को, ये कमेटी के लोग थे, इन्होंने जिस प्रकार से बताया कि जो जुलूस अंसारी मोहल्ला पिनरगढ़िया साइड सुलागिरी साइड से जो आता है उनका सेवा देने का यहाँ काम होता है और तमाम तरह के जो समाज से भी हैं वो भी इसमें जुड़े रहते हैं। हम आपको दिखाते चलें कि देखिए किस प्रकार से यह सेवा जो है वो सेवा दिखाई जाती है, निकाली जाती है। चाय बनाने का प्रक्रिया जो है जो दुकानदार हैं वो कर रहे हैं, पानी पिलाने का काम जो है वो कर रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं, आप देख सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं रितु रानी जी, ये भी आगे हम लोग देख रहे थे कि सेवा दे रही थी, अभी यहाँ आई हुई है महावीर चौक में। क्या कहना है इस संदर्भ में आपका, सेवा देने आई हैं आज महावीर चौक आई हैं, कैसा महसूस? आज मिलाद उन नबी के अवसर पर ये खुशी का माहौल है, जन्म उत्सव का माहौल है और ये लोग बड़े धूमधाम से इसको बखूबी जुलूस के तौर पर हम लोगों ने देखा। चल करके इतने कड़ाके की धूप थी, लोगों ने आस्था के साथ में अपने पूरे इस जुलूस को सफल बनाया है। तो इस अवसर पर मैंने भी एक छोटा सा सेवा करके वहाँ स्टॉल लगाया था, पानी शरबत बिस्किट चॉकलेट वगैरह था। और मैं ये एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, विचारधाराओं की लड़ाई है और सबसे बड़ा सेवा मानवता का होता है। तो वो मैं हमेशा परिचय देते आई हूँ और जब तक जीवित रहूँगी इसका परिचय देती रहूँगी। हाँ, पूरा महावीर चौक कमेटी आज यहाँ पर महावीर चौक पर एक बहुत बड़ा इन लोगों ने एक सेवा कैंप बनाया है, उसमें जो भी समाज से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को यहाँ बुलाया है और उन लोगों को वो लोग मतलब मानवता का परिचय जो लोग दे रहे हैं उन लोगों को सम्मानित भी कर रहे हैं, तो इसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। तो आपने सुना है सभी लोगों की बात, मैं आपको बताते चलूँ कि महावीर चौक कमेटी के लोग जो है वो तमाम समाज सेवियों को यहाँ बुलाते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। और जितने भी हजारों की भीड़ आपको दिख रही है, यह भीड़ सिर्फ और सिर्फ शांति का संदेश फैलाने के लिए और अपने अल्लाह का जन्मदिन मनाने के लिए यह रैली इस एरिया में निकाला गया है। इसी एरिया के साथ साथ पूरे बोकारो जिले में तमाम जहां मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं वह जुलूस निकालकर शांति का संदेश और अपने इस संदेश को फैलाने का काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ मैं जयलक्ष्मी नारायण, महावीर चौक, चास। बढ़िया खराब